गरीब परिवार में हुई पैदा, पढ़ाई के साथ बचपन में चराई भैंस, रात और दिन कड़ी मेहनत कर जिससे बन गई आईएएस। गंगा जमुना सरस्वती सीरियल में आईएएस अफसर को देख हुई प्रेरित और करने लगी दिन रात पढ़ाई। गांव की रहने वाली साधारण सी लड़की ने अपनी किस्मत बदल कर दिखाई। पापा थे कैब ड्राइवर, नहीं चल रहा था घर का खर्च तो बैंक में की प्राइवेट नौकरी। पहली बार यूपीएससी परीक्षा में हुई फेल, दूसरी बार में रच दिया इतिहास। यूपीएससी दुनिया की कठिन परीक्षाओं में से एक है, यहाँ वही सफलता पाता है जिसके सपने भी बड़े हों और कड़ी मेहनत करने का जुनून भी हो। सैकड़ों छात्र इसके लिए तैयारी करते हैं, लेकिन बाजी वही मारता है जिसने इसका सपना भी देखा हो और लगन भी हो कि सारी बाधाएं फूंक मारते ही उड़ा दे। सुनने में यह थोड़ा सा फिल्मी जरूर लगता है, लेकिन सफलता पा चुके उम्मीदवारों के संघर्ष कुछ इसी तरह की कहानियां बयां करते हैं। सी वनमति जब केरल के एक गरीब परिवार में पैदा हुई, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यह लड़की आईएएस बनकर दिखाएगी। पिता कैब ड्राइविंग करके किसी तरह से घर चलाते थे, ऐसे में यूपीएससी क्लियर करना यह सोचना संभव सा नहीं लगता था, लेकिन वनमती की मेहनत ने उसे इस मुकाम तक पहुंचा ही दिया। आईएएस अफसर सी वनमती ने आर्थिक परेशानियों का सामना किया और उन्होंने बचपन में पशुपालन में हाथ बटाया। वह खुद भी भैंस चराने के लिए जाया करती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और आईएएस अफसर बनकर देश में मिसाल पेश की। तमिलनाडु के इरोड जिले की रहने वाली सी वनमती बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनकी फैमिली भी आर्थिक स्थिति में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उनके परिवार में पशु का काम होता था और वनमती भी पशुओं को चारा खिलाती थी, साथ साथ भैंस चराने के लिए जाया भी करती थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सी वनमती को दो चीजों ने बहुत प्रेरित किया। पहली उनके होम टाउन की जिला कलेक्टर, जिन्हें देखकर वनमती काफी प्रभावित हुई थी। इसके अलावा उन्होंने गंगा जमुना सरस्वती नाम का सीरियल देखा जिसमें एक्ट्रेस आईएएस अफसर होती है। इसके बाद वनमती ने तय कर लिया कि उनको भी आईएएस अफसर बनकर दिखाना है। 12वीं के बाद से सी वनमती के रिश्तेदारों ने शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था, लेकिन वह बगावत पर उतर आई और शादी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने आईएएस बनने का सपना देखा था। वनमती के इस फैसले में परिवार ने साथ दिया और उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। वनमती ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और इसके बाद फैमिली की आर्थिक मदद करने के लिए प्राइवेट बैंक में नौकरी करने लगी। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने अपने आईएएस बनने के लक्ष्य को छोड़ा नहीं और यूपीएससी की तैयारी शुरू रखी। साथ ही आपको बता दें, सी वनमती को पहली बार यूपीएससी की परीक्षा में सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वर्ष 2015 में दूसरी बार यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लिया। जब परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए, तब वनमती अपने पिता के साथ अस्पताल में थी, जिन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद भर्ती कराया गया था। इसके कुछ दिन बाद ही अपने पिता की देखभाल करते हुए सी वनमती ने इंटरव्यू दिया और सफलता हासिल की। अब आप आईएएस सी वनमती की सफलता के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टीवी 30 इंडिया डिजिटल डेस्क, जय हिंद, वंदे मातरम।